तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, शो प्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल के हमारे सभी व्यूअर्स को फिर एक बार इस नई वीडियो में हमारे तरफ से तेज दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो T20 सीरीज खेला जा रहा है उसके तीसरे नंबर मुकाबले को, जो कि खेला जाने वाला है बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर 28 नवंबर 2023 को इंडियन टाइम। वैसे तो दोस्तों टीम इंडिया वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद इनके बीच दो T20 मुकाबला खेला जा चुका है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना तो यहाँ पे रोहित शर्मा दिखेंगे, ना तो सुमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ना तो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, इनमें से कोई भी खिलाड़ी इस T20 के सीरीज में खेलते हुए नजर में आने वाले है नहीं। यहाँ पर आपको इंडिया की तरफ से युवा खिलाड़ी खेलते हुए नजर में आ रहे हैं, साथों साथ इनका लाजवाब प्रदर्शन भी हमें देखने को मिल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया टीम को ये युवा इंडियन टीम दो बार मात दे चुकी है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए दिखेगी। इन दोनों में से इस मुकाबले में कौन सी टीम यहाँ पे विन करने वाला है यही मैं आपको बताने वाला हूँ, साथों साथ पिच रिपोर्ट, दोनों टीम की हेड टू हेड की रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और भी ढेर सारे बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल नॉलेजेबल रहेगी, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। अब चलिए दोस्तों वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए जान लेते हैं ये मुकाबला जहाँ पे खेला जाने वाला है वहाँ की पिच रिपोर्ट को। तो दोस्तों पहले से मैं आपको बता चुका हूँ ये मुकाबला खेला जाएगा बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर। यहाँ पर खेले गए टोटल मैचेस की बात करें इस मैदान पर T20 के अभी तक 5 मुकाबले खेले गए हैं, इसमें से यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम एक मुकाबले में जीत हासिल करी है, तो वहीं सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम 3 मुकाबले में जीत हासिल करी है, बाकी का एक मैच यहाँ पे नो रिजल्ट वाली रही है। तो ये पिच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के लिए फायदेमंद साबित हुई है, डिफेंस से ज्यादा मुकाबला यहाँ पे चेस होने का कारण है। वोस सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे अच्छा खासा वोस गिरता हुआ देखने को मिलता है, इसी वजह से गेंदबाजों का गेंद खराब होने लगता है, इसी वजह से यहाँ पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के बल्लेबाजों को इजी हो जाता है बड़ा शॉट मारने के लिए। ऐसे में जो भी कप्तान यहाँ पे टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी कर सकती है। दूसरे में दोस्तों ये जो पिच है बैटिंग फेवर भी चाहिए, यहाँ पे बल्लेबाज शुरुआत से ही बड़ा शॉट मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, सेट होने के लिए बल्लेबाजों को इंतजार करना नहीं पड़ता। बाकी यहाँ की गेंदबाजी की बात करें तो स्पेस गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज दोनों को कुटाई पड़ती है, इस मैदान पर विकेट के लिए गेंदबाजों को स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी हमें इस मुकाबले में क्या क्या सेशन देखने को मिलने वाला है इसके ऊपर बात करें तो देखिए दोस्तों पहले का जो 6 ओवर पावर प्ले का रहता है उसमें 60 से 65 का स्कोर आपको देखने को मिलेगा, 10 ओवर तक आपको 100 से लेकर 110 तक स्कोर देखने को मिलेगा, 15 ओवर में 160 के करीब स्कोर बनता हुआ देखने को मिल सकती है, बाकी आपको 20 ओवर तक यहाँ पे 200 से लेकर 220-230 की स्कोर बनता हुआ देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये सारा सेशन एस होने का ज्यादातर चांसेस है। हाँ लेकिन आपको सेशन की करंट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, हमारे टेलीग्राम पर आपको खाली सेशन की प्रेडिक्शन नहीं, टॉस, मैच, सेशन, विकेट कॉल और भी दुनिया भर का प्रिडिक्शन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। हमारे टेलीग्राम की प्रिडिक्शन आपको 90 से 95 तक राइट प्रिडिक्शन मिलता है, हम फेंकने वालों में से नहीं करके दिखाने वालों में से है। आपको एक ही नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके हमारा काम चेक कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, साथों साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी क्रिकेट मैच की राइट प्रिडिक्शन वाली वीडियो मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब यही तो हमारा कमाई भी है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करके आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट दिलाने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में ही तो है, आपके प्रॉफिट के लिए हम इतना कुछ करते हैं, आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आगे जो भी वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब चलिए दोनों टीम की ओर चलते हैं, दोनों टीम की प्लेइंग 11 हेड टू हेड की रिपोर्ट, दोनों टीम को कंपैरिजन करके देख लेते हैं कौन सी टीम अभी तक किसके ऊपर हावी रही है, इस मुकाबले में कौन सी टीम का पकड़ा भारी हमें देखने को मिलने वाला है। हम अगर एक बार इन दोनों टीम की हेड टू हेड की कंपैरिजन करें तो यार इन दोनों टीम के बीच में T20 के अभी तक 29 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 29 मुकाबले में जीत हासिल करी है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 मुकाबले में जीत हासिल करी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया से ज्यादा मुकाबले में जीत हासिल तो करी है, लेकिन T20 के फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टीम इंडिया का पकड़ा भारी रही है। इसके अलावा इन दोनों टीम के बीच में जो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए थे उसमें से टीम इंडिया ने 8 मुकाबले में जीत हासिल करी है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मुकाबले में जीत हासिल करी है। अभी का जो T20 की सीरीज चालू है इसमें से इन दोनों टीम के बीच में 2 मुकाबले खेले गए हैं, दोनों के दोनों मुकाबले में टीम इंडिया बहुत ही लाजवाब तरीके से जीत हासिल कर चुकी है। यहाँ पे T20 मुकाबले के विनर के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टीम इंडिया का पकड़ा भारी रही है। यहाँ पे दोस्तों हेड टू हेड के कंपैरिजन में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से आगे रही है। अब चलिए दोस्तों वीडियो को आगे लेके चलते हैं और जान लेते हैं इस मुकाबले के लिए इन दोनों टीम के तरफ से कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर में आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके ओपनिंग में दिखेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़। पिछले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल का क्या ही कमाल सी बल्लेबाजी रही है, ऋतुराज गायकवाड़ भी उस मुकाबले में ठंडे दिमाग से खेलते हुए बड़े स्कोर बनने में मददगार साबित हुए हैं। तीसरे नंबर में दिखेंगे ईशान किशन भी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिले थे। चौथे नंबर में सूर्य कुमार यादव जो कप्तानी का भार संभालते हुए देखने को मिलेंगे। पांचवे नंबर में दिखेंगे तिलक वर्मा। छह नंबर में दिखेंगे रिंकू सिंह। प्लेइंग 11 में दोस्तों हमें लगता है सूर्य कुमार यादव के जगह पर रिंकू सिंह को खेलना चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह पहले से बड़ा शॉट मार के गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर डालना बेखूबी जानते हैं। इनके बाद सातवें नंबर में दिखेंगे अक्षर पटेल। आठवें नंबर में रवि बिश्नोई। नौ नंबर में अर्षदीप सिंह। दस नंबर में मुकेश कुमार और आखिरी 11 नंबर में प्रसिद्ध
कृष्णा खेलते हुए नजर में आने वाले हैं। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के तरफ से इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। बाकी हम ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके ओपनिंग में दिखेंगे स्टीव स्मिथ के साथ मैथ्यू शॉट, 3 पे जॉस इंग्लिश, 4 पे मार्को स्टोइनिस, 5 पे टिम डेविड, 6 पे ग्लेन मैक्सवेल, 7 पे मैथ्यू वेड, 8 पे शेन एवर्ट, 9 पे नदन एलिस, 10 पे एडम जांपा और आखिरी 11 नंबर में तनवीर सांगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यही सारे खिलाड़ी खेलते हुए हमें नजर में आने वाले हैं। हाँ, लेकिन आखिरी मोमेंट में इनके प्लेइंग 11 में कुछ भी बदलाव होता है उस करंट प्लेइंग 11 की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर चुके हैं, दोनों टीम की हेड-टू-हेड की कंपैरिजन, प्लेइंग 11 के बारे में बात कर चुके हैं। आखिरकार इस मुकाबले की विनर टीम की क्या कैलकुलेशन निकल के आई है, चलिए इस मुकाबले की विनर टीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे पिच रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादातर मैच चेस होते हुए देखने को मिली है। हेड-टू-हेड की कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टीम इंडिया हावी रही है। प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सभी अनुभवी खिलाड़ी खेलते हुए नजर में आ रहे हैं, तो वहीं टीम इंडिया की तरफ से सभी युवा खिलाड़ी खेलते हुए नजर में आ रहे हैं। ऐसे में क्या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया से दो मुकाबले की हार का बदला ले पाएगा, या फिर टीम इंडिया जिस तरह दो मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा चुकी है उसी तरह मात देते हुए दिखेगा, चलिए मैच विनर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सारे स्टेक, सारे रिपोर्ट, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद इस मुकाबले की हमने जो एनालिसिस किए उसके आधार पर हमारे तरफ से इस मुकाबले की विनर टीम रहेगी टीम इंडिया। दोस्तों, पहले का दो वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ टीम इंडिया वर्ल्ड कप की हार का बदला ऑस्ट्रेलिया से चुन चुन के लेता हुआ हमें देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों, यही सारे थे इस मुकाबले की तमाम अपडेट्स। ये सारा अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप भी टीम इंडिया का फैन, वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो की यहीं पर दी एंड करते हैं, फिर मिलते हैं और एक शानदार दमदार वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।